हेलो एवरीवन वेलकम टू जेड के केमिस्ट्री क्लासेस तो हम आज करने वाले हैं केमिकल कैनाटिक्स का सेकंड लेक्चर केमिकल कैनाटिक्स लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं अगर कोई नहीं देख के आया तो भाई देख लो जाके उसे बहुत इंटरेस्ट आने वाला है ये बहुत ही मस्त और सिंपल वाला चैप्टर है हमारा केमिकल कैनाटिक्स तो हम बी थर्ड सेमेस्टर में ये चैप्टर है बाकी अदर ब्रांचेज बहुत सारी जगह सबके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर अदर किसी स्ट्रीम से आए हो तो कोई दिक्कत नहीं चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो केमिकल कानेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके थे कि सर केमिकल कानेटिक्स एक्चुअल में होती क्या चीज़ें इसमें हम पढ़ते क्या चीज है जिनमें हमने दो ही चीजें बताई थी सर इसमें हम पढ़ेंगे रेट किसी भी रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है कितनी स्लो हो रही है वो सारी चीज़ पढ़नी और क्या बताया था सर उस रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में उसका फॉर्मूला क्या होता है है ना अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रखे हो तो उसका रेट का एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं वो सारी चीज देख चुके थे अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं इसमें हम करने वाले पहले तो हमने आ, रेट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ये रेट पढ़ा था ना वेलोसिटी भी बोलते हैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन और बेलासिटी ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है हमने कहा था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए टाइम इंटरवल एक्चुअल में क्या होता है ये चेंज होता है किस चीज का चेंज होता है कंसंट्रेशन का चेंज हो जाता है क्या होता है हमारा ये कंसंट्रेशन का चेंज हो जाता है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है इसका मुझे लगता है मैंने शायद यूनिट नहीं बताई थी एक्चुअल में यहाँ पर मैं रेट की यूनिट बता दूँ पहले आपको देखो तो हमने पढ़ा था रेट इक्वल टू क्या होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसके पीछे रेट की देखो कोई ना कोई वैल्यू हम मेजर करते हैं उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है जैसे मान लीजिए वॉल्यूम को मुझे आयतन मापना तो उसमें क्या कहेंगे सर लीटर में है एमएल में है सेंटीमीटर क्यूब में है जिसमें मापना अगर कोई डिस्टेंस मेरे को मापनी है तो मैं क्या कहता हूँ ये मीटर में है सेंटीमीटर में है जिसमें भी है तो एक्चुअल में यूनिट होती है टेम्परेचर में मापूँ कैलविन में डिग्री सेंटीग्रेड में तो जो यूनिट होती है वैसे हम बोल सकते हैं सर

यूनिट हम लेंगे सेकंड तो इस तरह से हमारी रेट की यूनिट क्या हो जाएगी जो भी वैल्यू आप लिखोगे इसके बाद लिखोगे मोल लीटर इन वर्स सेकेंड इन वर्स दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ठीक है भाई चलिए तो रेट की यूनिट होगी अभी हम अपना स्टार्ट करने वाले रेट के बारे में हम कल पढ़ चुके थे इसके बारे में अब रेट के बारे में वापस नहीं कर रहे अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या कैसा रिएक्शन तो मेरी हो रही सर बरसात में कराऊं, गर्मी में कराऊं, सर्दियों में कराऊं, बंद कमरे में कराऊँ खुले में कराऊँ कहाँ कराऊं क्या सब जगह एक जैसी रिएक्शन होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता भाई हर जगह एक जैसे रिएक्शन तो हो नहीं सकती कोई ना कोई चीजें तो होंगी जो रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं भाई कोई रिएक्शन है कहीं करा रहा हूं जल्दी होगी कहीं पे स्लो हो रही है क्यों हो रही है तो वही हमें पढ़ना है कि रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर सकते हैं तो हमने एडिंग क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है सर पहला हमारा पॉइंट होता है सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैंने वन बाय वन ले रखा है तो पहला मैंने फैक्टर लिया है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट सर कोई भी रिएक्टेंट है उसके नेचर पर कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो अफेक्ट जरूर करेगी जैसे मान लीजिए कौन रिएक्शन कौन कर रहा है इस चीज पर डिपेंड करेगी नहीं करेगी रिएक्शन अब रिएक्शन हमारी हो रही है अब रिएक्शन कौन कर रहा रिएक्टेंट जो उसका नेचर क्या है क्या वो रिएक्टेंट आयनिक है क्या वो रिएक्टेंट कोवेलेंट बॉन्डेड है या कैसा है मतलब वो रिएक्टेंट की नेचर पर जरूर डिपेंड करेगी तो को एक चीज होती है जहां पर आने जैसे मैं बात करूं एन ए सी एल सर एन ए सी एल में क्या होता है अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व कर दूँ वाटर में डिजॉल्व कर दूं तो जाहिर सी बात है आपका एन ए प्लस मिल जाएगा और सी एल मानस मिल जाएगा ये इजीली आपके क्या होता है वाटर में जाके आयन हो जाता है भाई आयने में टूट जाता है ये आयन के जैसे वाटर में डालू तुरंत टूट जाएगा और अगर इससे किसी को रिएक्शन करो तो फिर रिएक्शन करना भी स्टार्ट कर देगा लेकिन और मान लीजिए मैंने ऑयल ले लिया फैट ले लिया कोई भी वो वाटर में डालता हूँ पहली बात तो सर डिजोल्व ही नहीं होता और ना आयनिक होगा तो इनमें क्या होता है सर इनमें बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड तो जाहिर सी बात है सर दो टाइप के मेरे कंपाउंड्स को मैं क्लासिफाई कर लेता हूँ अभी नॉर्मल क्योंकि हम वहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं हमें केमिकल कैराटिक्स केवल फैक्टर्स जानने भी है ना तो हम क्या कहना चाह रहे हैं सर दो टाइप की चीज़ें होगी मेरी दो टाइप की चीज़ें कौन सी होगी एक तो मेरा हो गया आयनिक कंपाउंड दूसरा हो गया मेरे नॉन आयनिक कंपाउंड अगर मैं दोनों की केमिकल रिएक्शंस की बात करूँ सर आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं जो हमारी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं इसमें जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे मान लीजिए एफ ई एफ ई प्लस टू है क्या है मेरा एफ ई प्लस टू जिसे फेरासाइन बोलते हैं क्या बोलते हैं फेरासाइन एफ ई e एस ओ फोर e एफ ई सी एल टू कुछ भी ले सकते हैं मैं केवल नॉर्मल आपका एफ ई प्लस टू लेता हूँ एफ ई मेरा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मान लीजिए इसको मेरे को ऑक्सीडाइज कराना है मैंने इसे यहाँ पर डाल रखा है के मेन ओ फोर और साथ में डाल रखा है एस टी एस ओ फोर सर इसका काम होता है ऑक्सीडेशन उक्षिरे, करने का मैं दूसरा ले, ले लेता हूँ सी टू ओ फोर सी टू ओ फोर टू नेगेटिव सर ये ऑक्जिलेट आयन होता है यहां पर मैं भी क्या डाला हूँ के फोर और साथ में डाला हूँ फोर ये के फोर साथ में एस्टोसो फोर का मतलब एसिड के एम फोर है और सर इसका काम होता है ऑक्सीडेशन करने का आई होप शायद एलेवन ट्वेल्थ में आप ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ के आए होंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है वो पढ़ के आए होंगे अगर नहीं भी पढ़ के आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ टाइम में हमारे चैनल पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और बाकी यूँ के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है अगर किसी को जरूरत है आप चैनल का लिंक उन्हें शेयर करें या फिर आप उनको बताएं ताकि वो हमसे जुड़ें हम बहुत सारी चीज़ें आपको दे सकें चलिए इधर ये एफ ई प्लस टू है जब के एम एन ओ फोर अभी सिंपली इतना समझ लीजिए इनका काम क्या होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस पर चार्ज कोई भी चार्ज है जैसे मान लीजिए एफ पे प्लस टू है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया प्लस टू अगर प्लस थ्री कर दू तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री हो गया जैसे में के मैं के एम एन फोर एस फोर इसमें डालता हूँ सर एफ ई जो होता है वो चेंज हो जाता है हमारा एफ ई में इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ा रहे हम पढ़ रहे हैं केमिकल कैनेटिक्स तो हम ही हम क्या कर रहे हैं केवल फैक्टर्स देख रहे हैं केवल है ना तो डिटेल नहीं पढ़ रहा आप कहोगे सर इसका चार्ज बैलेंस करो ये करो हम वो चीज नहीं कर रहे हम केवल समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है यहां पर एफ ई प्लस टू किसमें चेंज होगा एफ ई प्लस थ्री में और यहाँ पर सी टू ओ फोर टू नेगेटिव इसको हम ऑक्जिलेट आयन बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको ऑक्जिलेट आयन ये जो होता है ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये चेंज हो जाता है हमारा सी टू में यानी कार्बन डाइऑक्साइड मैं दोनों रिएक्शंस की बात करूं अगर ऑक्जिलेट आयन की बात करूं ना मैं आयन कैसा होता है तो ऑक्जिलेट आयन को मैं इधर दिखा ऑक्जिलेट आयन का स्ट्रक्चर होता है सी डबल वोन ओ निगेटिव यहाँ पर भी सी डबल वोन ओ नेगेटिव कहने का मतलब है यहाँ पर जो है कार्बन के साथ में बहुत सारे या डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर अगर इसको ऑक्सीडाइज होना है किसको एफी को तो इसको करना क्या पड़ेगा केवल एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आराम से ऑक्सीडाइज हो लेकिन अगर सी टू ओ फोर को ऑक्सीडाइज तो इसमें बहुत सारे बॉन्ड है जो आपस में रीअरेंजमेंट होते हैं कुछ बॉन्ड टूटते हैं कुछ बॉन्ड बनते हैं जिनमें आपका टाइम तो लगेगा ही लगेगा तो सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें हमारे बॉन्ड टूटने टाटने का को कोई मतलब नहीं होता सीधा आयंस ब्रेक होते हैं आयंस ब्रेक होने के बाद दूसरे के साथ अट्रैक्शन हो जाता है जिसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता तो कहने का मतलब सर मेरा सीधा सीधा यह है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारी उनका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है नॉन आयनिक के बस इतना कहना चाह रहा हूं सर क्या कहना चाह रहा हूं आयनिक रिएक्शन है हमारी और दूसरी हमारी कौन सी है एक है हमारी आयनिक रिएक्शंस दूसरी है मेरी नॉन आयनिक रिएक्शन यानी जिनमें हमारे आयंस नहीं बनते हैं तो अगर मैं इन दोनों के रेट की बात करूं तो दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं यानी किसका रिएक्शन का रेट जो है वो बहुत ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं सर किसका ज़्यादा होगा आयनिक रिएक्शन का बस तो पहला फैक्टर तो मेरा ये होगा अगर हमसे कहा जाता है सर रिएक्शन करके कैसे बताऊंगा अगर मेरे से पूछा जाता है मैं लैब में जाता हूँ एक्सपेरिमेंट जाता हूँ टीचर मेरे से पूछता है कि ये मेरे पास में दो रिएक्शन है ये वाली आयनिक रिएक्शन है ये वाली नॉन आयनिक रिएक्शन है, है। बताओ इनमें से कौन जल्दी हो जाएगी अगर मैं कराऊंगा तो आपका आंसर क्या होगा सर आयनिक रिएक्शन आयनिक रिएक्शन जो होती है उनका रेट ज़्यादा होता है नॉन आयनिक से सर पहली बात हमारी समझ में आ गई और आपको पता भी होगा लैब में जब हम एक्सपेरमेंट करते हैं एसिड बेस बहुत स्पीड से रिएक्शन कर जाते हैं अगर एसिड लिया दूसरा बेस ले मैंने मिलाया आराम से बहुत स्पीड से रिएक्शन कर जाते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नॉन आयनिक में जो हमारे बहुत ज़्यादा टाइम लेती है रिएक्शन होने में जो आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कराओगे घंटे दो घंटे ले जाते हैं अगर आपने कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर रखी है तो आगे जब आप कॉलेज में आई गए तो कॉलेज में करोगे करोगे ठीक है चलो अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले फैक्टर की सर अगला फैक्टर है मेरा इफेक्ट ऑफ ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है आगे काम आएगा कंसेंटेशन पे कैसे डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन जानते हो क्या होता है हालांकि मैंने अभी आपको बता दिया था कंसनट्रेशन की यूनिट क्या होती है कंसनट्रेशन की यूनिट होती है सर मोल लीटर इनवर्स ये तो होती है इसका मतलब क्या मोल पर लीटर मोल पर लीटर का मतलब मान लीजिए मैंने यहां पर कोई भी सॉल्वेंट ले रखा है या फिर कोई भी सॉल्यूशन ले रखा है पर इसको मैंने एक लीटर मान लिया क्या मान लिया एक लीटर अगर मैं इसमें मान लीजिए एक मोल मिला दिया मैंने कितना मिला दिया एक मोल तो इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी वन मोल लीटर वन मोल पर लीटर अगर मैंने दो मिला दिया तो इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी टू मोल पर लीटर इसका मतलब क्या है जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल्स uh, मिलते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी सर mm? एक चीज है रिएक्शन हमें करानी है तो डिपेंड तो, तो यही पे करेगा ना कितना मिल रहा है सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता किस पर डिपेंड करेगा कितना मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है सर जैसे जैसे मैं जितना ज्यादा रिएक्टेंट मिलाऊंगा रिएक्शन की स्पीड उतनी बढ़ी है तो सीधे सीधी बात है सर यहां से हम सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये सर रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा और इसको हमारा एक लॉ होता है जो एक्सप्लेन करता है जिसका नाम होता है लॉ ऑफ एक्टिव मास लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसा बोल सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन ये शायद आपने क्लास इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा हो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं अब पढ़ना पड़े वापस तो इलेवन ट्वेल्थ करने जाओगे नहीं और कर भी रहे तो बहुत अच्छी बात आपको मिल जाएगा और यहाँ से भी आप सीख जाओगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा एक लॉ होता है जो ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है क्या चीज रेट ये डायरेक्टली प्रपोज होता है एक्टिव मास के एक्टिव मास मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास आते सर एक तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दूसरी ले आते दूसरी क्या ले आए अब आप एक्टिव मास ले आए अब ये एक्टिव मास कैसे ढूंढो कंसंट्रेशन तो मेरे को जैसे तैसे करके पता चल गया कंसंट्रेशन का मतलब है कि रिएक्टेंट की मात्रा है कुल मिलाकर ठीक है अब ये एक्टिव मास क्या है एक्टिव मास क्या होता है मैं आपको बता दू एक्टिव मास एक्चुअल में कंसंट्रेशन को ही बोला जाता है लेकिन कौन सी कंसंट्रेशन को बोला जाता है जैसे कि मान लीजिए मैंने एक, एक लीटर यहाँ पर कोई भी पानी ले रखा है या फिर कोई सॉल्यूशन ले रखा है मैंने वन लीटर सॉल्यूशन ले रखा है उसमें मैंने मेरा क्या हुआ है मान लीजिए पाँच मोल मिले हुए हैं कितने मिले हुए हैं पाँच मोल लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सर पाँच के पाँचों मोल रिएक्शन कर जाएंगे हो सकता है चार कर रहे हो सकता है तीन कर रहे हो हो सकता है दो कर रहे हो हो सकता है साढ़े तीन कर रहे हो सर कहने का मतलब मेरा यह है आपके जो रिएक्शन कर रहे हैं जितना आपका अमाउंट है सारा का सारा रिएक्शन कर सकता है ये जरूरी नहीं हो सकता है कम कर रहा हो सकता है ज्यादा भी कर रहा हो या कंप्लीट भी कर रहा हो तो हम ये बोल सकते हैं सर पांच मोल तो मेरा कंप्लीट होगा ये इसकी कंसेंट्रेशन होगी लेकिन इसमें से जितना अमाउंट रिएक्शन करता है दैट इज द एक्टिव मास है एक्टिव सक्रिय द्रव्यमान यानी कि ऐसा अमाउंट

रिएक्शन रिएक्शन को आर से लिख देता हूं मैं शॉर्ट में ठीक है रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सर ये जो मैंने बनाया है ना ये आपके सामने क्या बनाया ये जो बड़ा ब्रैकेट है कौन सा वाला ये ये आपका कंसंट्रेशन को बताएगा किसको बताता है कंसंट्रेशन अगर मैंने किसी के ऊपर ब्रैकेट ऐसे लगा रखा तो इसका मतलब क्या है मैं कंसंट्रेशन को बता रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की डायरेक्टली सर रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन तो इसका मतलब सर दो फैक्टर हमारे पास हो गए पहला आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है किससे नॉन आयनिक से ठीक है दूसरा अगर रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा दो फैक्टर समझ में आ गए ठीक है अगला बात करते हैं सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सबको आपको पता होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी आप नॉर्मली क्या होता है देखो ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने जैसे लैब में काम कर रहे होते कोई रिएक्शन नहीं होती टीचर बोलता गर्म कर दो उसको रिएक्शन फास्ट, फास्ट हो जाएंगे हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं रिएक्शन फास्ट हो जाता है है ना नॉर्मली भी घर में एक्चुअल में रिएक्शन नहीं वो डिजोल्यूशन है जैसे कि ठंडे दूध में अगर मैं चीनी खोलूँ तो वो टाइम लेती है अगर मैं गर्म करना स्टार्ट करूँ जल्दी जल्दी घुलना स्टार्ट है ये तो होता है यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ सर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा रेट जो होता है रिएक्शन का क्या होता है बढ़ता जाता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर सर मैं अगर टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो मेरा किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट हमारा कम हो जाता है है ना तो यहां पर हम जनरली जो रिएक्शन हमारी होती हैं वो क्या होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ रहा है सर एक और चीज होती है मोस्टली अगर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका रेट कांस्टेंट होता है कोई भी अगर मैं किसी भी रेट कांस्टेंट में कोई भी रिएक्शन हो रही है जैसे मान लीजिए ए, ए रिएक्शन है ए से हमारा प्रोडक्ट बनना है ये किसी भी टेम्परेचर पर हो रही हो मान लीजिए मेरा टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है ठीक है थीके? अभी यही रिएक्शन को यही रिएक्शन मेरी अगर मैं टी डिग्री में मैं क्या कर दूं टेन डिग्री और एड कर दूं टेन डिग्री सेंटीग्रेड और एड कर दूँ तो अब जो रिएक्शन होगी इसका रेट क्या होगा भाई पहली वाली रिएक्शन से ज्यादा होगा इसका रेट क्या होता है जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन मेरी हो रही है मैं लैब में करा रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया थर्टी फाइव पर दिया तो जो रिएक्शन ट्वेंटी फाइव पर जिस स्पीड से हो रही थी अब वो थर्टी फाइव पर उसकी लगभग दुग्नी या तिगुनी स्पीड से होने लग जाती जनरल रिएक्शन की बात बता रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ मान लीजिए कोई रिएक्शन मेरी टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही ना? और दूसरी रिएक्शन वही रिएक्शन मैंने क्या कर दिया उसमें मैंने कर दिया टी प्लस टेन डिग्री सेंटीग्रेड मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया टेन डिग्री और बढ़ा दिया उसमें तो उस रिएक्शन का जो रेट होगा उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो कितना हो जाता लगभग डबल हो जाता तो यहां पर मैं एक काम करता हूं क्योंकि मुझे पता है क्या कि कोई भी रिएक्शन होती है उसका रेट हो रेट कॉन्स्टेंट होता है अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं हम लेके आएंगे अभी बता देंगे आपको तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है यहां पर बात करता हूँ रेट कॉन्स्टेंट हो कैसे दिखाते हैं कि है हमारा टी डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है डिवाइड बाई मैंने कर दिया रेट कॉन्स्टेंट है टी प्लस टेन डिग्री सेंटीग्रेड दस डिग्री और बढ़ा दी तो इसका रेट कॉन्स्टेंट लगभग कितना हो जाएगा डबल और ट्रिपल लगभग दुगना या तिगना या इनके बीच में रेंज इसकी रहती है सर इस इस रेशियो को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशियट टेम्परेचर कॉफिशियट क्या मतलब है सर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं दोबारा से समझ लो क्या अगर कोई भी मेरी रिएक्शन है है ना कोई भी मेरी रिएक्शन हो रही है जिसको मैं नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर पर करा रहा हूँ अगर मैंने उसका टेम्परेचर टेन डिग्री और बढ़ा दिया सर उसका रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है जितनी स्पीड से हो रही होती है उससे दुगनी स्पीड से या उससे तिगनी स्पीड से या फिर उन दोनों के बीच में कोई भी स्पीड हो सकती है उतनी स्पीड से होना स्टार्ट करती है बात समझ में आ रही है यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी रिएक्शन है वो मान लीजिए कोई भी रेट कॉन्स्टेंट हो ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है मैंने उसका रेट बढ़ाकर एक ये टेम्परेचर कॉफी का जो फॉर्मूला है उसको वापस से करेक्ट करिए क्या है मुझे ऊपर लेना है कितना टेन टी प्लस टेन डिग्री सेंटीग्रेड और ये कितना हो जाएगा टी डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है ना मतलब ज़्यादा वाला टेम्परेचर ऊपर लेना कम वाला नीचे लेना तो क्योंकि यहां पर रेट ज्यादा होगा ना रेट ज्यादा तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो एक कहने का मतलब क्या है अगर मेरी कोई भी रिएक्शन है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है अगर मैं उसी रिएक्शन को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा दूं तो 10 डिग्री बढ़ा दिया इसका जो रेट होगा वो लगभग डबल और ट्रिपल हो जाता है इसे क्या बोलते हैं टेम्परेचर कॉफी से तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आएगी सर तीन फैक्टर हमने पढ़ लिए वापस से बता रहा हूँ आने रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए होती है किसे नॉन एनिक से दूसरा अगर रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है मेरा अगर उसकी मैं कंसेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो मेरा रेट फास्ट होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तब भी मेरा रेट फास्ट होगा और दो टेम्परेचर पर टेन डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस पर अगर टेम्परेचर का मैं क्या लेता हूँ रेशियो दैट इज नोन एज टेम्परेचर कॉफी सेम अगला फैक्टर्स अगला क्या अगला हमारा इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया इफेक्ट ऑफ सर्फेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट सर किसी भी रिएक्टेंट का सर्फेस एरिया पे कोई रिएक्शन डिपेंड कर सकती है सरफेस एरिया तो समझते हो ना सरफेस एरिया का मतलब क्या है मान लीजिए कोई भी चीज है मेरे पास जैसे ये मेरी कोई भी नोटबुक है हमारी नॉर्मल इसकी ये भी सरफेस है इसकी ये भी सरफेस है अगर कोई भी सरफेस ले लो मान लो ये सरफेस है तो इस सरफेस का जो भी एरिया होगा आप निकालोगे उसे हम क्या बोलते हैं उसका सरफेस एरिया है ना तो कुल मिलाकर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं सरफेस एरिया कोई भी हो सकता है हमारा सरफेस एरिया आप सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा रिएक्शन इसके लिए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है सर वो सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं वो हमारा क्या है सिंपल सा एग्जाम्पल जैसे देख मेरे पास में एक ये लकड़ी का गट्टक ले लीजिए जा। आप जानते हो लकड़ी का मैंने क्या ले लिया है गट्टक ले कोई भी दो कट्टक लेता हूं मेरे पास में इतना ही साइज का दूसरा कट्टक इतनी ही का क्या है दूसरा घटक लेकिन एक काम करना है। मुझे ये वाला जो दूसरा वाला घटक मैंने लिया है ना ये वाला जो दूसरे वाला घटक लिया है इसको घटक की फॉर्म में इतनी ही घट्ट का मैंने इसको क्या कर लिया बुरादा बनवा लिया मतलब पिसवा लिया तो एक बुरादा बन जाएगा क्या बन जाएगा ये हमारा एक बुरादा बन जाएगा मतलब क्या एक चूरन टाइप बन जाएगा ऐसे हम बोल सकते हैं ठीक है भाई मैंने क्या लिया पहले मेरे पास एक गट्टक था दो गटक बराबर बराबर के लिए एक को तो मैंने गट्टक ही रहने दिया दूसरे को मैंने क्या कर दिया उसका बुरादा बनवा लिया आपको पता है लकड़ी का पिसवा के मतलब बुरादा था टाइप मैंने बनवा लिया है अभी मुझे एक काम करना है मुझे इसको जलाना है जला मुझे इसको जलाना है मुझे इसको भी जलाना है अब ये बताओ कौन जल्दी जल, जल जाएगा गट्टक जल्दी जल जाएगा या फिर बुरादा जरा सोच लो कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हो देखिए सुनिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ गट्टक जल्दी चलेगा या फिर बुरादा जल्दी चलेगा तो इसका आंसर होगा सर हमारा बुरादा बहुत जल्दी जलेगा क्योंकि हमें पता है अगर नॉर्मली हमारे यहाँ रखा हो तो गट्टक में अगर आग लगा दो तो बहुत टाइम तक उसमें जलती रहती है बहुत टाइम जब तक जल्दी रहती है पूरा गट्टक जलने में बहुत टाइम लगता है लगभग एक घंटा भी दो घंटे भी तीन घंटे भी चार घंटे भी सर्दियों के टाइम में देखो सुबह से लेकर शाम तक आग लगी रहती है गट्टकों में लेकिन अगर बुरादे में अगर तुमने आग लगा दी तुरंत दो मिनट में खत्म कुछ बचेगा गए ऐसा होता है, नहीं होता है। अगर बुरा में आप आग लगा तो बहुत जल्दी आग लग जाती है लेकिन इसमें नहीं लग पाती यानी इसके जलने की प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बहुत स्पीड से होता है बात तो ये चीज़ समझ में आई सर ऐसा बता कि उन्हें हम कौन से इकट्ठे चला रहे हैं कोई बात नहीं हमें ये देखना है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट यानी सरफेस एरिया जो रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पर रिएक्शन का रेट इफेक्ट करता है या नहीं करता है बस हमें ये देखना है तो सर एक चीज देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ ये तो चलो आपने बता दिया कि सर जो हमारा क्या है हमारा बुरादा है वो जल्दी जल जाएगा गट्टा हमारा टाइम लगाएगा जल्दी ठीक है यानी इसका रेट कम होगा इसका रेट ज्यादा होगा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा सरफेस एरिया हमारे गट्टक का ज़्यादा होगा या सरफेस एरिया हमारे बुरादे का ज्यादा होगा इस चीज़ को आप बता सकते हैं आपको बताना भी चाहिए हाँ भाई बता सकते हैं नहीं आपको बताना चाहिए कि इसका किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बुरादे का या गट्टक का बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते सर गट्टक का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ गट्टक का सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो आप गलत है क्योंकि गट्टक का सरफेस एरिया ज़्यादा हो ही नहीं सकता सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है बुरा देगा आपको वो सर कैसे एक्सप्लेन करके बताइए मैं समझ में नहीं आ रहा एक चीज देखो ये मैंने एक बुक ले ली ठीक है ना अब इस बुक की अगर मैं बात करूँ सर इसके सर्फेस एरिया निकालना कैसे निकालेंगे इसकी ये सर्फेस है है। पीछे वाली सर्फेस भी है, है इधर वाली सरफेस ऊपर की सरफेस इधर की सब तरफ की सरफेस है अगर मैं इन सबका एरिया निकालू सबको अलग अलग जोड़ दू कोई ना कोई वैल्यू आएगी आएगी अगर मैं इस बुक को लकड़ी का कट्ट मान लू अगर इसको मैंने काट दिया एक जगह से भाई बुरादा कैसे बनता है बुरादा बनेगा जैसे जैसे लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते चलेगे बुरादा बनता चलेगा मैंने इसको पहला टुकड़े में काटा तो सर पहले टुकड़े में कुछ इस तरह से कट जाएगा कट जाएगा बाहर का जो सरफेस एरिया था क्या उसमें कोई कमी हुई नहीं हुई सर जे जितना सब था वैसा ही है वा था था। ये जितना था उतना ही है ऊपर नीचे जितना भी हो उतना ही हो लेकिन ये वाला जो सरफेस एरिया कौन सा वाला ये वाला सरफेस एरिया बढ़ गया नहीं बढ़ गया जितना पहले सरफेस एरिया सरफेस थी अब सरफेस बढ़ गई इसकी पहले इतनी ही सरफेस थी अब ये वाली सरफेस एक्स्ट्रा आ गई कटने पर अगर मैं इसको और काट दू तो और सरफेस एक्स्ट्रा आ जाएंगे और काट दू तो और सरफेस एक्स्ट्रा आ जाएंगी पर लकड़ी के बुराद में क्या होता है सर लकड़ी को काटते चले जाते हैं इसका मतलब सरफेस बढ़ती चली जा रही है और सरफेस बढ़ती चली जाएंगी तो उनका सरफेस एरिया भी बढ़ता चला जाएगा मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सर मैं कहना यह चाहता हूं कि यहां पर मैंने क्या देखा था लकड़ी का घटता है टाइम ले रहा है यानी इसका रेट कम है बुरा रहा है बहुत जल्दी जल रहा है लकड़ी को जैसे जैसे काटता जाऊंगा सरफेस बढ़ेगी सरफेस बढ़ने पर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सीधा सीधा सर हम सीधा सीधा एक चीज नहीं बोल सकते क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मेरा सरफेस एरिया बढ़ेगा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन ज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द क्या सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रिएट क्लियर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई हो इसमें कोई टिपिकल वाली चीज थी नहीं इसमें कोई हमें ज्यादा समझने वाली चीज थी नहीं तो आपको बात समझ में आ गई यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा जो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा हमारा रेट उस रिएक्शन का उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा सर ये भी बात समझ में आएगी चलिए कोई और एग्जाम्पल और बताइए अगला आता है सर कैटलिस्ट अगला हमारा क्या आता है कैटलिस्ट सर कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है क्या कोई रिएक्शन नाम सुना कैटलिस्ट का हिंदी में इसको उत्प्रेरक बोलते हैं हर एक किसी के मोहल्ले में पाए जाते हैं कैटलिस्ट बहुत सिंपल सी चीज है जब कैटलिस्ट पढ़ेंगे तब तब जानेंगे हम लेकिन अभी जान लेते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है बस इतना और वो अफेक्ट कैसे करता है रिएक्शन को वो जान लेते हैं सर कैटलिस्ट कोई भी मैटर हो सकता है चाहे वो तुम्हारा एलिमेंट हो चाहे वो तुम्हारा एटम हो मॉलिक्यूल हो या फिर कोई अदर कंपाउंड कैसा भी हो हमारा कैटलिस्ट का काम कर सकता है और कैटलिस्ट एक ऐसे कम्पाउंड या ऐसे आ, मैटर होते हैं जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है अगर हम उसमें डाल दें तो ये उस रिएक्शन के रेट को मेंटेन करते हैं रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और रिएक्शन के रेट को घटा भी सकते हैं कोई रिएक्शन हो रही है नॉर्मल कितनी भी स्पीड से हो रही है मान लीजिए मैंने क्या कर दिया सर कोई भी रिएक्शन ए है कोई भी रिएक्शन ए है और ए से क्या बनना है मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा सर मैं अभी इसकी अगर स्पीड चेक करूं तो मैं देख रहा हूं कि एक सेकंड में दस मोल बनना है इससे कितने बनना है एक सेकंड में दस मोल बनना है प्रोडक्ट के इसका रेट है मैंने इसमें कोई भी कैटलिस्ट डाल दिया हो सकता है अब एक सेकंड में इसके कितने एट मोल बनने हो हो सकता है अब एक सेकेंड में इसके फिफ्टीन मोल बनने हो इसका मतलब क्या है सर किसी भी मैटर को डालने पे उसके रेट में चेंज हो जाए रेट बढ़ भी जाए या फिर घट जाए उसे हम कैटलिस्ट बोलते हैं किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट मिलाया लेकिन एक चीज और एक चीज क्या है रिएक्ट जो भी मैं कैटलिस्ट मिलाऊंगा उसके अमाउंट में कोई फर्क नहीं आना जितना पहले था रिएक्शन के बाद उतने का उतना मिल जाता है क्या नहीं बोले रिएक्शन में यूज तो होता है लेकिन यूज होने के बाद वापस से जितना होता है उतना का उतना मिल जाता है उससे खर्च नहीं होता यानी उसके अमाउंट में कोई कमी नहीं होती जैसे बॉडी में हम बोलते हैं इंजाम्स हमारे बॉडी में इंजाइम्स होते हैं हम खाना खाते हैं पचा लेते हैं पचाने के बाद खाना हमारा पास से आता निकल जाता जो भी होता है लेकिन तो हमारे जो इंजाम्स है वो अपनी जगह रहते हैं उनका कोई खर्च नहीं होता तो कुल मिलाकर एंजाइम्स हमारे कैटलिस्ट ही होते हैं जैसे हम बायो कैटलिस्ट के, के नाम से भी जानते हैं यानी जैव उत्प्रेरक तो मैं सीधे सीधे ये कहना चाह रहा हूँ सर ऐसे कंपाउंड्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं उन्हें हम कैटलिस्ट बोलते हैं जो रिएक्शन के बाद जैसे हैं वैसे के वैसे मिल जाते हैं ठीक है सर ये तो हो गई हमारे कैटलिस्ट की बात सर कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं कैटलिस्ट कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के होते हैं कौन कौन से होते हैं एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक है, होता है हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट क्या मतलब होता है सर नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट में सर ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन के रेट को ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते इंक्रीज कर देते द कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएशन इज नोन पॉजिटिव पैटलिस्टलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं मतलब इंक्रीज कर देते हैं उससे हम बोलते हैं पॉजिटिव पैटलिस्ट और जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं भैया कम मतलब डिक्रीज कर देते हैं उनको हम बोलते हैं क्या नेगेटिव पैटलिस्ट मुझे लगता है ये भी बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि सर पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है निगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है तो इसका भी इफेक्ट आपको समझ में आ गया सर पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव तो इसका मतलब रिएक्शन का जो रेट है वो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड कर रहा है ना बिल्कुल कर रहा रहे अगला देखना इफेक्ट ऑफ रेडिएशन रेडिएशन क्या होते हैं रेडिएशन सर जो लाइट आ रही है सनलाइट आ रही है लाइट में बहुत सारी रेडिएशन होती हैं जिससे हम पढ़ते हैं कॉस्मिक रेज गामा रेज एक्स रेज यूवी रेज विजुअल रेज, रेज माइक्रोवेज है रेडियो वेव्स बहुत सारे रेज होती है सर यही रेज क्या हमारे रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन कर सकती है या नहीं कर सकती है क्या उनके रेट को बढ़ाएंगी या घटाएंगी तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो केवल लाइट के प्रेजेंस में होते हैं द रिएक्शंस विच एग्जिस्ट या फिर विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, हैं दैट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस उन्हें हम क्या कहता है फोटो केमिकल रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ यानी कि जो हमारी फोटोकेमिकल होती है यानी ऐसी reaction जो में है, light की में है, की में होती 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 है है, हमारी उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं सर फोटो जब लाइट होगी तो उनके रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी कि जैसे ऐसे कम होगी वैसे वैसे उनकी स्पीड भी कम हो जाती है सर ऐसे कोई एग्जांपल बता दीजिए सर जैसे अगर मैं बात करूँ मेरे पास H2 है मेरे पास Cl2 है अगर मैंने इसमें डाल दी लाइट ह -new, ह -new का मतलब क्या है? नहीं, नहीं, लाइट है, अगर ये डाल तो मेरा क्या बन, टू -HCL बन जाता है।, जैसे लाइट वैसे स्पीड बढ़ जाती है और भी आपने सुना होगा एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा फोटो सिंथेसिस सुना है ना फोटो सिंथेसिस जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं क्या होता है सर इसमें इसमें तो बहुत सिंपल रिएक्शन है सर ये वाली क्या सिंपल रिएक्शन है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हमारे पास में सी ओ टू होता है। हमारे पास एच टू होता है है ना सी ओ टू एच टू और यह रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है सी सिक्स एच टिक्स यानी ग्लूकोज प्लस वाटर सॉरी ओ टू क्या बना लेता है ओ टू बना लेता है ये हमारे रिएक्शन होते हैं साथ में एटीपी एडीपी में बायो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और यहां पर यूज क्या होता है हमारा सनलाइट क्या यूज होती है सनलाइट लाइट सनलाइट यूज हो जाता है और साथ में कौन यूज होता है हमारा क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है प्लांट्स में होता है जब बचपन में जैसे हम पढ़ते थे तो हम कहते हैं सर पौधे अपना भोजन खुद बना भोजन का मतलब सब्जी पूड़ी थोड़ा बनाते हैं भोजन का मतलब है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सीओ टू एनवायरमेंट में होती है वाटर को जमीन से खींच लेते हैं जड़ से और लाइट मिले सन से और क्लोरोफिल उनके पास खुद होता है ये चारों चीज मिला के वो बनाते हैं ग्लूकोज या ऐसे ही अदर हाइड्रो क्या कार्बोहाइड्रेट्स जो वो खुद भी यूज करते हैं बाकी हमें भी देते हैं खाने के लिए भाई खाने में हम यही तो खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वगैरह यही सब खाते हैं और ओटू निकाल देते हैं जिसको हम एस्पायरेक्शन में यूज़ करते हैं कुल मिलाकर ये पूरी पूरी रिएक्शन भी किस पर डिपेंड करिए हमारी सनलाइट पर तो इससे हम फोटोग्रामिक रिलेक्शन करेंगे इतनी बार समझ हमारी अब अगला और देख लीजिए ये लास्ट हमारा अफेक्ट है इफेक्ट uh, है जो हमारा सॉल्वेंट uh, क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है जिसका नाम है क्या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट सर सॉल्वेंट पे भी तो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट का मतलब क्या हम किस में घोल रहे हैं रिएक्टेंट को पानी में घोल रहे हैं या किसी और चीज में घोल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा या फिर ऐसा हो सकता है कि सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो सर पतला है या फिर गाढ़ा है उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा तो वही चीज होती है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट सर रेट जो होता है ना रेट इज डायरेक्टली प्रपोज होता है अपॉन विस्कोसिटी

या फिर हम बोल सकते हैं नॉन आयनिक से दूसरा हमने पढ़ा कि सर हमारे जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा तीसरा हमने पढ़ा सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा चौथा हमने पढ़ा क्या पढ़ा भाई चौथा कैटलिस्ट था फोर्थ हमारा था हाँ सरफेस एरिया जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा उसके बाद हमने पढ़ा कैटलिस्ट कैटलिस्ट सर कैटलिस्ट में क्या कैटलिस्ट तो दो तरह के होते हैं सर पॉजिटिव होते हैं निगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे नेगेटिव है तो कम करेंगे क्यों करेंगे इस चीज को हम आगे देखेंगे इसका पूरा पूरा ग्राफ हम समझेंगे एक्टिवेशन एनर्जी भी पर ठीक है ना उसके बाद हमने पढ़ा क्या रेडिएशन फोटोग्रामिक रेडिएशंस में लाइट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है बाकी हमारा लास्ट क्या था हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के टर्म में भी हमारा क्या होता है बढ़ जाता है अगर विस्कोसिटी कम होगी तो रेट हमारा ज्यादा होगा मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद हम ये फिनिश करते हैं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन का आ, क्या किया था हमने एक रेट एक्सप्रेशन भी लिखा था उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है फॉर द रिएक्शन गिवन रिएक्शन हमारी ये रिएक्शन दे रखी है रिएक्शन क्या है सर एन टू प्लस थ्री एस टू रिएक्शन साइन टू एन एस थ्री क्या है एन टू प्लस थ्री एस टू रिएक्शन साइन टू एन एस थ्री ये वाली रिएक्शन है इसमें बोला है रेट ऑफ ऑफ इज मोल लीटर इनवर्स इनवर्स इसका मतलब सर एक सेकेंड में इसके फोर मोल लीटर इनवर्स क्या कर जाते हैं डिसपियर मतलब खत्म हो जाते हैं रिएक्शन हो जाती है उनकी कितने में एक सेकेंड में किसके एन टू के ध्यान से सुन लेना मैं क्या कहना चाहता हूं इसमें ये कह रहा हूं सर एन टू जो है वो एक सेकंड में चार मोल पर लीटर रिएक्शन कर जाता है तो आपको बताना क्या है पहली बात तो ये बताने इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट क्या होगा दूसरी बात आपको ये बताने रेट ऑफ H2 एच टू एक सेकंड में कितना खत्म होगा यानी एच टू का रेट कितना होगा दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एन एस थ्री यानी एन थ्री के बनने की जो रेट होगा वो क्या होगा सर इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना बहुत आसान होता है और इसको क्वेश्चन को आसान करने के लिए अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखना क्या लिखना है रेट का एक्सप्रेशन किसके रेट का एक्सप्रेशन या फिर हम ये देख लेते हैं दे क्या रखा है ना आपको दे रखा है डिस एन टू यानी एन टू का डिस होने का रेट दे रखा है एन टू का रेट हम कैसे लिखेंगे सर इसलिए माइनस लगा दीजिए मतलब खत्म होना खत्म हो, हो रहा है तो माइनस लगाते हैं तो सीधा सीधा है, D and, आ, D and इसकी वैल्यू आपको दे रखी है फोर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ठीक है सर इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई ये वैल्यू मेरे पास में क्या है गिवन है ये वैल्यू मेरे को दे रखी है अब पूछा क्या उनको और देख लो hmm. सर पूछा है मेरे से कौन कौन सी चीजें पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन सर रेट पूछा है ठीक है दूसरी चीज सर रेट ऑफ डिस एच टू का रेट डी एच टू डि लेकिन कौन सा माइनस इसकी वैल्यू आपसे पूछी है दूसरा अगला क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन यानी कि एनएस थ्री के फॉर्मेशन की रेट भी पहुंची है तो सर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्मेशन मतलब बनने की दर पूछिए खत्म होने की दर पूछ रहा था अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसका एक फॉर्मूला लिखना होता है रेट एक्सप्रेशन जो हमने लास्ट लेक्चर यानी कल हमने किया था क्या किया था सर इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो रेट बराबर क्या होता है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू डिवाइड बाई चेंज इन टाइम एन टू की टर्म में यही तो लिखा था क्योंकि रिएक्टेंट है दैट्स माइनस और अगर एस टू की टर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखता हूं चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एस टू डिवाइड डि चेंज इन टाइम कॉफिशेंट कितना थ्री तो इसको वन बाई थ्री लेते हैं और क्योंकि रिएक्टर रिएक्टेंडर्स माइनस लेते हैं आगे देखिए अगर हम एनएस थ्री की बात करें तो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनएस डिवाइड वाई चेंज इन टाइम ये तो हो जाएगा कॉफिशेंट टू है तो वन बाई टू यहाँ पर हम पॉजिटिव ही रहने देंगे क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पुराना लेक्चर जाके देख लीजिए क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ तो हमारे पास में सर, अब क्या हुआ ये हमने फॉर्मूला बना लिया ये हमने फॉर्मूला बना लिया अब इस फॉर्मूले पर भेज रहे सारी चीज़ें आप क्या करना है यहीं से क्वेश्चन करते जाइए बस कोई दिक्कत नहीं होने वाली नहीं है अब ठीक है चलिए सर करते हैं यहाँ पर क्या है हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर ठीक है ना क्वेश्चन क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर क्या है सर रेट बताना लेकिन आपको दे रखा है माइनस डी एन टू बाई डी टी तो दिक्कत नहीं सर आर की वैल्यू है हमारे रेट इसके बराबर होता है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखे तो सीधा सीधा ये तो हो गया सर इसकी वैल्यू कितनी है हमारी फोर मोल लीटर इनवर्स यानी फोर मोल लीटर इनवर्स खत्म कहा नहीं सर क्या दिक्कत है तो हो गया मतलब सर इस रिएक्शन का जो रेट है वो कितना हो जाएगा हमारा फोर मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा रेट की वैल्यू हमने निकाली पहला क्वेश्चन सॉल्व सर एक लाइन बहुत सिंपल सा है है बस आपको ये लिखना इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है सर दूसरे क्वेश्चन में पूछा हमसे है क्या एस टू के डिस का रेट लेकिन एक चीज लिख लीजिए सबसे पहले यहां से देखना एस टू वाला टर्म कौन सा ये वाला ना यहां को लिखो क्या है हमारा ये माइनस वन बाई थ्री

ये हो जाएगा थ्री आर मानस तो यही नहीं पूछा ठीक है यहां पर थ्री इंटू आर की वैल्यू कितनी निकाली थी फोर कितना हो जाएगा ट्वेल्व मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो, तो मुझे लगता है आपको दूसरा वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की दैट इज क्या है हमारा आपको चाहिए क्या अमोनिया के बनने की दर यानी डी एन एस थ्री डिवाइड बाई डी टी ये चाहिए तो आपको इस एक्सप्रेशन में यही ढूंढना है कहां ये रख डी एन एस थ्री अपॉन डी टी वन बाई टू वन बाई टू लिख दीजिए ये बराबर ये भी बराबर सर आर के ये अगर मेरे को निकालना है डी एन एस थ्री डिवाइड बाई डी टी इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है तो टू कहां ले जाऊंगा इसके आर के मल्टीपल में यानी कि आर इंटू टू तो आर की वैल्यू फोर टू की टू हो एट हो गया यानी एट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मुझे लगा है क्या आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिए मैं उसको अगले लेक्चर में आपको जरूर उसको सही करूंगा और आपको आगे का और भी कराता हूँ तो ये रहे हमारा आज का लेक्चर आज हम यहीं पर बंद करते हैं आगे अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो आगे की हमारी केमिकल कर्नाटिक्स है बहुत ही बेहतरीन कर्नाटिक्स है उसको हम पढ़ने वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लासमेट्स हैं उनको आप शेयर करें उनको बताएं कि इन किसकी उनको ज़रूरत है एक्चुअल में और जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे हमें भी अच्छा लगेगा उन कंटेंट डालने में और मैं बेहतरीन कंटेंट डालने वाला हूँ आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वैलकन जरूर दवाएँ सब्सक्राइब भी कर लें